Cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Pakistani bade khush ho rahe hain ki SCO ki jo summit hai isi saal Pakistan ke andar. Aur Pakistani bade khush ho rahe hain, bada janab unke dil mein hai ki Narendra Modi sahab Pakistan aayenge. Na agle saal chair hai SCO ka to Modi sahab ko invite aayega. Modi sahab ne phir se bolna hai लप्पू ले ले मैं नहीं आ रहा वहां पर पता नहीं कौन सा बैट का सूप कौन सा गटर ऑयल से तू खाना कोना बना के खिला देगा स्ट्रेटजी सारी नाकाम हो गई आप लोगों को उम्मीद नहीं है मोदी तो गए नहीं वहां वहां जयशंकर जी गए लेकिन जयशंकर जो है उनकी मुलाकात वांगली से हुई है उनके वजीर खारजा जो चाइना के हैं और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू सिक्योरिटी क्राइसिस ये शहादतें हो रही हैं रोज कभी जनाजे उठाए जा रहे हैं कभी वो जनाब मतलब है कि ये सारे इश्यूज जो हैं और ये मैन मेड क्राइसिस है जिस दुनिया को जिस अमेरिका को कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों के ऊपर होने वाला जुल्म नजर नहीं आ रहा इंडिया जो है वो रशियन फ्रेंडशिप को काफी वैल्यू देता है और इसलिए भी क्योंकि चाइना को भी हमें ये मैसेज देना है चाइना को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि इन दिस टफ टाइम We stand by with Russia और चाइना ये नहीं चाइना जो रशिया को ये भड़काता था कि ये तो अमेरिकन के साथ चले जाएंगे ये तो वेस्टर्न ब्लॉक वाले हैं डेमोक्रेसी वाले स्पीच कर रहे हैं फ्रांस में बर्तानिया में लीडर अपने लोगों से कनेक्टेड हैं यहाँ एक अजब सा मामला है कि जी दरमियान में अचानक सब गायब हैं मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे भारत ने चाइना के अगेंस्ट में एक जरा थोड़ा सा और अग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू करा है कि भैया चाइना के ये जो टेक्नीशियन वेक्नीशियन आते थे इधर आते थे सब बंद 10 मांगोगे 2 मिलेंगे चलो गायब हो जाओ आना है आना और नहीं आना जाओ यहाँ से मैं क्यों समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान इस साल नहीं आएंगे और पाकिस्तान को इस किस्म की किसी किस्म की किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए नमस्कार दोस्तों जय हिंद इस साल अक्टूबर महीने में आयोजित एससीओ की अध्यक्षता पाकिस्तान करने जा रहा है पाकिस्तान को उम्मीद है कि पीएम मोदी पाकिस्तान एससीओ मीटिंग ज्वाइन करने आएंगे ताकि पाकिस्तान भारत से अच्छे संबंध स्थापित कर सके इन्हीं सब को देखते हुए पाकिस्तानी जोर तोड़ से पीएम मोदी के आने की खुशी मना रहे हैं लेकिन मोदी सरकार की नीति पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है विदेश मंत्री जयशंकर कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता रहेगा तब तक दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी हालांकि जब से पाकिस्तान की हालत खराब हुई है तब से ही पाकिस्तान भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करता आया है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने उनको बधाई दी थी और कहा था आइए हम नफरत की जगह उम्मीद लाएं और साउथ एशिया के 2 अरब लोगों की नीति को आकार देने का अवसर का लाभ उठाएं हाल ही में एससीओ मीटिंग जो कि कजाकिस्तान में हुआ था उसमें एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया था आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो समिट है वो उसका एक इजलास जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है सरबराही इजलास इसे कहेंगे लीडर्स जो है का इजलास जो होने जा रहा है इसी साल पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं बड़ा जनाब उनके दिल में है कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि हम तमाम जो SCO मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनको इनवाइट करेंगे इंक्लूडिंग इंडिया मैं क्यों समझता हूं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान इस साल नहीं आएंगे और पाकिस्तान को इस किस्म की किसी किस्म की किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए पाकिस्तान SCO का मेंबर 2017 में बना पहले पाकिस्तान को 12 साल इसका ऑब्जर्वर स्टेटस पाकिस्तान के पास था अब पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम एक लीडरशिप का रोल लेने जा रहे हैं याद रखें मैंने पहले भी बताया था कि जो SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो ये एंटी वेस्ट ब्लॉक्स हैं पहली वजह मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी इसलिए पाकिस्तान नहीं आएंगे कि आपने अभी देखा हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास जो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ उसमें डॉक्टर जयशंकर जाके नरेंद्र मोदी की रिप्रेजेंटेशन करते रहे ये पहली बात सो इंडिया जो है उसने SCO को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डाउनग्रेड कर दिया
एक स्टेप नीचे ले आए हैं। वो समझते हैं कि हमारे लिए एससीओ की कोई वर्थ वैल्यू अब नहीं रही, तो उन्होंने उसको नीचे कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि अगर मैं जाता हूँ पाकिस्तान तो अभी तो हुकूमत का पहला साल है, तो पहले साल ही चला जाऊं, सितंबर अक्टूबर में चला जाऊं, मतलब कोई बात बनती नहीं है। इससे बहुत सारे जो अगले 4 साल 5 साल जो है उसकी एक जिसे कहेंगे ना ओरिएंटेशन नजर आएगी कि मोदी साहब क्या चाहते हैं। सो वो मेरा नहीं ख्याल वो खुद पाकिस्तान आके वो एक तासुर देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहते हैं। गो कि ये मल्टीलैटरल फोरम है, लेकिन याद रखिए बायलैटरल मुलाकातें भी होती हैं, एंड देन होस्ट मुल्क के साथ तो फिर बायलैटरल मुलाकात होती है। या तो फिर ये मुमकिन है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर फॉर एग्जांपल वो आते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि नहीं सॉरी मैं बायलैटरल मुलाकात का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मैं मल्टीलैटरल फोरम के तहत आ रहा हूँ और उसी में जो बात हमने करनी हुई कर लेंगे। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि उनके जो आने से ऑप्टिक्स क्रिएट होती हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ हो सकता है पाकिस्तान इस हवाले से सुजेस्ट कर रहा हो कि अगर नरेंद्र मोदी मान जाते हैं पाकिस्तान आना तो पाकिस्तान कुछ ऐसे मेजर्स सुजेस्ट कर सकता है जो कि वो बायलैटरली मोदी साहब लें, उसमें हाई कमिश्नर्स का रिस्टोर करना, वीजा रजीम को नॉर्मलाइज करना, वाघा पे ट्रेड करना और वर्किंग बाउंड्री एलओसी के ऊपर और चीज़ों को बेहतर करना, ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना, कश्मीर के हवाले से ये जो इंडिया की कंप्लेंट्स रहती हैं कि जी पाकिस्तान सपोर्ट करता है, उस हवाले से पाकिस्तान बहुत कुछ क्लैरिफाई कर सकता है कि हमारा क्या व्यू है, क्या हम जिसे वो कहते हैं ना। आपको याद होगा कि जब बिलावल भुट्टो गए थे भारत तो उस वक्त डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने कहा ही वॉज रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ एन एससीओ, बट एट द सेम टाइम जो उसको एससीओ के मेंबर के तौर पे हमने रिसीव किया, बट वी रिस्पॉन्डेड हिम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए टेरर स्टेट। रशिया को भी पता है यार ये चाइना ना थोड़ा अनट्रस्टवर्दी है, इसके साथ थोड़ा सा गेम खेलनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपके साथ वो गेम आपके साथ हेजिंग करता है कल इस। तो रशिया ने भी 2-3 गेम खेली, रशिया गया नॉर्थ कोरिया के पास, रशिया गया वियतनाम के पास, ठीक है वहां पर चाइना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यार। वियतनाम मतलब रशिया आएगा इंडो पैसिफिक में, आपने रशिया के साथ साइन करी है लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट जहां पर उसको आप लेके आ रहे हो इंडो पैसिफिक में, तो आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया चाइना को कि भाई साहब हम रशिया के साथ भी कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करेंगे, हम अमेरिका के साथ भी कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करेंगे इंडो पैसिफिक में, जहां हमको बेनिफिट मिलेगा आपके छित्तर मारने के लिए हम वहां पर कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है हमको। भारत ने चाइना के अगेंस्ट में एक जरा थोड़ा सा और अग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू करा है कि भैया चाइना के ये जो टेक्नीशियन वेक्नीशियन आते थे इधर आते थे सब बंद, 10 मांगोगे 2 मिलेंगे, चलो गायब हो जाओ, आना है आना, नहीं आना जाओ यहाँ से। मोदी साहब का जो एक स्टेटमेंट है जहां पर एसईओ के अंदर जो जयशंकर जी ने वहां पर पढ़ा, उसमें उन्होंने दो चीजें मेन बोली है कि साहब देखिए प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू टेररिज्म, टेररिज्म इक्वल्स टू पाकिस्तान, और दूसरा ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर आप उल्टे सीधे काम करते हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो चाइना को तो पाकिस्तान चाइना बाप बेटे को दोनों को वहां पर लपड़ मारा गया, तो ये भी गड़बड़ है। एंड जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखो साहब ये बॉर्डर सिचुएशन है, इट इज नॉट गुड फॉर बोथ, लेकिन ऐसा है वी आर ओके वी आर फाइन वी विल हैंडल द बॉर्डर सिचुएशन, हमको कोई टेंशन नहीं है। अब चाइना का चक्कर क्या है, चाइना को जाना है ताइवान में, ताइवान में जा नहीं सकता जब तक आप बैठे हुए हैं वहां पर, क्योंकि चाइना को लगता है डर। तो पंगा ये है कि भाई चाइना को पकड़ के रखा है आपने बॉर्डर के ऊपर, हिमालय की 20,000 फुट की चोटी के ऊपर आपने पकड़ रखा है, जहां पर उसके सोल्जर्स को ऑक्सीजन लगा के घूमना पड़ता है, और 100-200 मीटर आगे हमारे सोल्जर्स वहां पर या तो भंगड़ा डाल रहे होते हैं या वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, दोनों चाइनीज सोल्जर देख के हैरान परेशान शैतान हो जाते हैं।